हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन ऑन फिजिक्स बाय श्री राम सर। सो स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और अब हम आगे मूव कर रहे हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कूलॉम्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, जो कूलॉम्स लॉ है इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ का यूज़ क्या है मतलब। तो बच्चों क्या काम आता है ये? तो इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट्स। सो बच्चों, ये जो कूलॉम्स लॉ का यूज़ है वो हम करते हैं पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, मतलब चार्जेस के बीच का सेपरेशन फिक्स होना चाहिए, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनका रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो कूलॉम्स लॉ का यूज़ आता है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होती है। सो पॉइंट चार्जेस के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं अच्छे से। सो व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडीज, जो हमारे पास चार्ज बॉडीज होती है, व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, द साइज मे बी इग्नोर्ड एंड द चार्ज बॉडीज आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। तो देखिए ये क्या होता है इसका मतलब बच्चों। जैसे यहाँ पे बच्चों एक रॉड है, एक मेटल रॉड है, और यहाँ पे एक आप स्फीयर को देख रहे हैं। यहाँ पे ये मेटल स्फीयर है। आप सपोज करो कि इस रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है इस पे भी बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो रॉड और स्फीयर दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर हम देखें तो ये चार्ज कितनी जगह में स्प्रेड है, तो ये आप बोलोगे सर रॉड की लेंथ यहां से यहां तक है, तो इतना जो हम कह सकते हैं स्प्रेड, इतनी जगह में ये चार्ज फैला हुआ है। तो ये रॉड का लेंथ एल मान लेते हैं या स्मॉल एल ले लेते हैं। तो स्मॉल एल लेंथ पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लेट से कि ये जो रॉड का लेंथ है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, हमने वैसे ही एज्यूम कर लिया। सिमिलरली ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है इसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्फीयर में कितना इस मैक्सिमम सेपरेशन है, तो आप कहेंगे सर इसके डायामीटर के इक्वल। तो इसका जो डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक, इतना स्प्रेड है इस चार्ज का, इतनी जगह में ये चार्ज फैला हुआ है मेनली। तो ये जो डायामीटर है इसका स्फीयर का, वो हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर पे तो रोड पे चार्ज है, और 2 सेंटीमीटर में ये चार्ज है। दिस ये रोड पे चार्ज, इसको अगर हम Q1 बोल दें, रोड पे जो चार्ज है बच्चों उसको Q1 बोल दें, और स्फीयर पे जो चार्ज है उसको हम Q2 बोल दें। तो ये जो चार्ज जो है ये स्प्रेड है इस जगह में। अब इन दोनों के बीच का मेरे को डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ। ये डिस्टेंस आप यहाँ मिडिल ऑफ द रोड से भी ले सकते हैं, एंड ऑफ द रोड से भी ले सकते हैं, और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये सेपरेशन जो इनके बीच में है डिस्टेंस का, इसको हम आर बोल देते हैं। और लेट से कि ये जो सेपरेशन है दैट इज 200 सेंटीमीटर। तो अब अगर आप देखें तो इनका जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है दैट इज, और इनका जो लीनियर साइज है, तो इन बॉडीज का जो साइज है दैट इज मच स्मॉलर देन द सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें
तो जो इस Q1 का जो लीनियर साइज है, मतलब जितनी जगह में ये फैला हुआ है, दैट इज़ वेरी स्मॉलर देन R, सेपरेशन से बहुत छोटा है। और इसका जो डायमीटर है जिसमें ये फैला हुआ है, तो इसका जो डायमीटर है, क्योंकि अगर स्फेरिकल बॉडी है तो डायमीटर से ही साइज समझ आता है, और अगर लीनियर बॉडी है तो लेंथ से, तो डायमीटर जो है ये भी बहुत छोटा है सेपरेशन आर से। तो फिर अगर ऐसा है कि ये जो लेंथ और डायमीटर, ये बच्चों क्या बता रहा है, ये जो लेंथ और डायमीटर है ये हमें ये वाली चीज़ बता रहा है जो यहाँ पे लिखी है लीनियर साइज, ये जो यहाँ पे लिखा है इसको हमें ये लेंथ और डायमीटर हमें बता रहा है। और ये जो आर है बच्चों, ये आर क्या चीज़ है, सो ये है इनका सेपरेटिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस सेपरेटिंग। तो यहां पे ये जो आर है बच्चों, दैट इज डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। तो आर बेटा इसको बता रहा है। तो अगर ये जो बॉडीज का लीनियर साइज इनके सेपरेटिंग डिस्टेंस से बहुत छोटा है, तो हम इनको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं और हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आप ये डिस्टेंस यहाँ से भी ले लेंगे या यहाँ से ले लेंगे तो भी आपके आंसर में ज़्यादा एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा इसको। बल्कि मोर बेटर है कि ये जितना साइज सेपरेशन से जितना छोटा उतना बढ़िया है, एरर्स उतनी कम हो जाएगी। एक तो ये लॉजिक हुआ, दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो स्फीयर मैंने बनाए हैं, एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये हमने बनाया है यहाँ पे। तो अब ये जो दो स्फीयर है इनमें तो जो साइज है वो रेडियस या डायमीटर से ही समझ आता है। तो लेट से कि जो फर्स्ट स्फीयर है उसका रेडियस जो है वो R1 है, और सेकंड स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज़ R2, और इनके बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस जो है दैट इज स्मॉल आर। तो कई बार बच्चों क्वेश्चन में ऐसे बोलता है स्मॉल स्फीयर्स, स्मॉल स्फीयर्स। अब हो सकता है इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज हो, इस स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज हो। तो स्मॉल स्फीयर वर्ड यूज़ करने का मतलब वो हमसे यही कहना चाह रहे हैं कि ट्रीट देम लाइक अ पॉइंट चार्ज एंड यू कैन अप्लाई कूलम्स लॉ। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो, अगर हम इनको Q1 Q2 को एज अ पॉइंट चार्ज लेना चाहते हैं, तो ये बीच का जो सेपरेशन है आर, ये बहुत बड़ा होना चाहिए फर्स्ट स्फीयर के साइज से भी और सेकंड स्फीयर के साइज से भी। और क्वेश्चन में अगर स्मॉल स्फीयर वर्ड आता है तो यही इंडिकेट करता है कि यू कैन टेक देम एज अ पॉइंट चार्ज। तो ये हमने सबसे पहले समझा कि बच्चों कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। और हम कई बार सोचते हैं यार पॉइंट चार्ज का मतलब एक पॉइंट होता होगा, जी नहीं, पॉइंट चार्ज ये एक रिलेटिव टर्म हो गया एक तरीके से, कि सेपरेशन ज़्यादा है दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में उनके साइज के कंपेरिजन में, देन वी विल कंसिडर देम एज अ पॉइंट चार्ज। चलिए अब पॉइंट चार्ज तो चलो ये हो गए, तो मान लो कि ये जो स्फीयर है और एक दूसरा एक बॉडी है, इस पे जो चार्ज है वो Q1 है, इस पे जो चार्ज है वो Q2 है। तो हमारे पास दो चार्ज बॉडीज़ यहाँ पे हो गई, Q1 एंड Q2, ये हमारे पास में दो चार्ज बॉडीज़ है और दे आर पॉइंट चार्जेस, इनके बीच का सेपरेशन लेट से आर है। तो ये दोनों पॉइंट चार्ज है। नाउ अब क्या होगा, इनमें फोर्स लगेगा आपस में, अगर इन पे सेम नेचर का चार्ज है, अगर मतलब दोनों प्लस है, तो ये दे विल रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे Q1 को रिपेल करेगा Q2 और Q2 को रिपेल करेगा Q1, तो इनके बीच में ये जो फोर्स लगेगा ये रिपल्सन का फोर्स होगा। अच्छा दिस इज, ये फोर्स किस पे है, F12, ये F12 है और ये है 2P1 की वजह से। तो F12 का मतलब यहां पे है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली तो ये रिपल्सन का फोर्स लग रहा है अगर इन पे चार्ज का नेचर सेम है। तो सिमिलरली जो F21 है
दिस इज फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन. अब स्टूडेंट्स ये जो फोर्स है, जब हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस बॉडी पे दूसरी कोई बॉडी फोर्स लगा रही है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है कि ये भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगी बट अपोजिट डायरेक्शन में. तो आप नोटिस करें कि ये जो दोनों फोर्स है, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे बट ये डायरेक्शन में अपोजिट होंगे. इनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा बट इनका जो डायरेक्शन है दैट विल बी अपोजिट. तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो कि ये वाला फोर्स 100 न्यूटन का है तो ये भी 100 न्यूटन का होगा बट इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो F21 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा. या तो सिंपली आप ऐसे लिख दें या एरो बना के आप इसको मॉड में लिख दें कि दीज टू फोर्सेज विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन में तो ये अपोजिट है. तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं F12 वेक्टर तो यू विल गेट जो F21 वेक्टर होगा वो F12 के अपोजिट होगा. तो अगर F21 जो है उसके आगे मैं माइनस लगा दूं तो F12 मुझे मिल जाएगा. सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर ये वाला फोर्स 100 आई कैप है, 100 न्यूटन का वैल्यू है आई कैप में, तो ये वाला फोर्स 100 न्यूटन होगा बट माइनस आई में. तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का 100 न्यूटन है बट डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है. एक का अगर आई कैप है तो दूसरे का माइनस आई कैप है. अच्छा ये अट्रैक्शन में भी होगा इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर. कि जैसे सपोज करो कि Q1 को Q2 अट्रैक्ट करता है तो अगेन फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो Q2 को भी Q1 उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. तो इस वाले केस में फोर्स का नेचर कैसा हो गया? अट्रैक्टिव हो गया. इस वाले केस में फोर्स कैसा हो गया? अट्रैक्टिव नेचर का हो गया. नाउ अब बच्चों ये समझना है कि ये फोर्स जो है ये रिपल्सिव है अट्रैक्टिव है, दोनों टाइप का फोर्स लग सकता है बॉडीज के ऊपर. ये जो चार्ज बॉडी है इन पे अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों टाइप का फोर्स होगा. तो अगर अब यहाँ पे देखें तो हम लोग अगर बात करें कि अट्रैक्शन कब लगेगा, तो अट्रैक्शन लगने के लिए जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो इनका नेचर अपोजिट होना चाहिए. मतलब अगर Q1 पॉजिटिव नेचर का होगा तो Q2 को नेगेटिव नेचर का होना चाहिए, और अगर Q1 नेगेटिव नेचर का है तो Q2 फिर पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए. इनकी नेचर अपोजिट होनी चाहिए. तो अगर मैं इन दोनों Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करूं तो अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को करूंगा तो भी नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स जीरो से छोटा नंबर. तो जब Q1 और Q2 का मल्टीप्लीकेशन लेस देन जीरो होगा, Q1 into Q2 will be less than zero. जब ऐसा होगा तो इस केस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में. पार्टिकल्स एंड पॉइंट चार्जेस सेम ही वर्ड है लेकिन इसका जस्ट उल्टा होगा. जैसे कि ये वाला देख रहे हैं आप रिपल्सन, तो एक Q1 है और एक Q2 है बच्चों. तो अगर दोनों सेम साइन के होते हैं, दोनों प्लस होते हैं या दोनों ही माइनस होते हैं तो मल्टीप्लाई करिए, प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है. मीन्स Q1 इंटू Q2 का मल्टीप्लाई पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा हो गया. तो अगर Q1 Q2 का मल्टीप्लाई जीरो से बड़ा होगा तो इस वाले केस में फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव. तो ये फोर्स का नेचर हो गया. अब ये सारी बातें हमने समझी. These will be useful to solving the small questions. But अगर एग्जाम में आता है कि write the statement of Coulomb's law, तो हम क्या लिखेंगे? So simply, this is the statement of Coulomb's law. Magnitude of electrostatic force between two stationary point charges. ये बड़ा important keyword है. मतलब ये आपका इसमें law में जब आप लिख रहे हो ना तो ये स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस आपका मिस नहीं होना चाहिए वरना मार्क्स कट जाएंगे. सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू. तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल है किसके? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस.
तो दोनों चार्जेस का हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, और उसका मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड, और क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच में जो सेपरेटिंग डिस्टेंस आर होता है उसके स्क्वायर के ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो ये फोर्स इसी लाइन के अलोंग लगता है, ऐसे नहीं कि जो Q1 पे जो Q2 फोर्स लगाएगा वो इधर इधर कहीं लगा देगा, जी नहीं, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग ही बेटा फोर्स लगेगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हुआ। तो मैग्नीट्यूड जब लिख रहे हैं तो आप सिंपल F भी लिख सकते हैं, या आप F वेक्टर के दोनों तरफ ये मॉड बना सकते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ मैंने यूज़ करी है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, F प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 इंटू मॉड Q2, और सिंपली आप इसको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड Q1 Q2, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो F विल बी प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। नाउ इफ Q1 एंड Q2 आर, इफ Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, और यू कैन से एयर, इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन देन वी विल कंसिडर दैट Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर। तो बेटा फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आता है, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज 1/4πε0। दैट कॉन्स्टेंट इज 1/4πε0। अब यहाँ पे ये जो एप्साइलन, ये जो ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर है जिसका नाम एप्साइलन है, और इसके यहाँ ये ज़ीरो लिख दिया, तो हम लोग इसको रीड करते हैं एप्साइलन नॉट या एप्साइलन ज़ीरो। तो एप्साइलन ज़ीरो भी बोल सकते हो, एप्साइलन नॉट भी। ये होता क्या है, ये यहाँ पे बेटा बताता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को। सो परमिटिविटी क्या है वो आगे हमें अच्छे से समझ आएगा और डिटेल में। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमें बता रहा है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और यू कैन से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जो वैल्यू होता है दैट इज़ 8.85 × 10^12, और यूनिट क्या आएगा, तो यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे तो आप लिखेंगे Q1 Q2 / 4πr² F। सो चार्ज का यूनिट कूलाम, दूसरे चार्ज का भी कूलाम, सो कूलाम स्क्वायर हो गया। फिर फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और आर स्क्वायर का हो गया मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये यूनिट हमारे पास आ गया बच्चों। अच्छा ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये, इसका वैल्यू तुम्हारे पास ये है। अब ये जो पूरा का पूरा कांस्टेंट आया है दिस कंप्लीट, इसको बेटा हम लोग 1/4πε0 जो है जब इसका वैल्यू निकालते हैं, मतलब 4 का π का और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आता है 9 × 10^9। और यूनिट क्या होगा, जस्ट जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है उसका रेसिप्रोकल कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। एंड हम लोग इसको लिखेंगे स्मॉल के से। आप कहेंगे सर स्मॉल के से क्यों लिख रहे हो, तो बेटा जी कैपिटल के से हम एक और चीज़ को डिनोट करेंगे जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट्री कॉन्स्टेंट। तो इसको हम स्मॉल के से लिखेंगे, तो ये क्या होता है, ये दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, कूलम्ब कॉन्स्टेंट भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम्ब कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ हो गया, तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस फोर्स का जो फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे कांस्टेंट के, जिसका वैल्यू यूज़ करेंगे 9 × 10^9 इन ऐसा यूनिट्स, इनटू मॉड Q1 मॉड Q2 और सेपरेटिंग डिस्टेंस जो भी होगा उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर छोटा सा क्विज सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट देयर इज अ क्वेश्चन गिवन हियर कि ऑब्जेक्ट ए हैज़ ए चार्ज +2 µC, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट ए है
और इसके ऊपर चार्ज है क्यू वन, दैट इज प्लस टू माइक्रो कूलम। एंड अनदर ऑब्जेक्ट बी विच इज हैज ए चार्ज प्लस सिक्स माइक्रो कूलम। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि इस पे जो चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा है, सो आई द साइज जो मैं बना रहा हूँ बेसिकली चार्ज की वजह से बना रहा हूँ। तो ये क्यू टू है ऑब्जेक्ट बी और ये है प्लस सिक्स माइक्रो कूलम। नाउ द क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो बट अभी हमने पढ़ा कि चार्ज छोटा या बड़ा हो ये पॉजिटिव चार्ज है सो दे विल रिपेल। तो ए पे बी फोर्स लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो फिर जो ए पे बी लगाएगा तो ए बी फिर बी पे लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। हमने पढ़ा था कि ये जो फोर्स है चाहे एफ ए बी हो या एफ बी ए हो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल आएंगे और वो क्या होगा, उसका वैल्यू होगा के क्यू वन क्यू टू का मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर। तो छोटा चार्ज भी बड़े चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो और बड़ा छोटे पे जो फोर्स लगाएगा वो इक्वली होगा। आप ऐसा नहीं सोचे, कई बार बच्चे गलती करते हैं, जैसे कई बार हम पूछते हैं कि लेट से स्टूडेंट्स टू माइक्रो कूलम जो है वो सिक्स माइक्रो कूलम पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेट कि हम सपोज करते हैं ऐसा, तो फिर सिक्स माइक्रो कूलम टू पे कितना लगाएगा। तो स्टूडेंट सोचते हैं सर चार्ज थ्री टाइम्स बड़ा है ना तो फोर्स भी थ्री टाइम्स बड़ा लगाएगा, तो वो जनरली बोलते हैं 300 न्यूटन। तो बेटा ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड नहीं हो रहा। न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है इफ एन ऑब्जेक्ट ए अप्लाई अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी देन बी विल अप्लाई द फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑन ऑब्जेक्ट ए बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है चार्ज ट्रिपल होने का मतलब फोर्स ट्रिपल नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये वाला फोर्स का आंसर भी 100 न्यूटन ही आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जब भी क्या होता है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे वाली क्विज में कि ये बोल्ड लेटर में एफ लिखा हुआ है। तो अगर बच्चों सिंपली एफ ऐसे बोल्ड लेटर में नहीं लिखा बल्कि नॉर्मली ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। और कई बार ये बोल्ड लेटर में लिख देते हैं इस तरह से लिखा हुआ है और बोल्ड कर देते हैं इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है एफ वेक्टर, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑल्सो, मतलब वो डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा बोल्ड लेटर भी नहीं है और यहाँ पे कोई एरो भी नहीं बना हुआ, तो वो मैग्नीट्यूड के बारे में पूछ रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड वाइज एफ ए बी एंड एफ बी ए विल बी इक्वल, तुम्हारा करेक्ट आंसर जाएगा ई, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बाकी सारे आंसर रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है जो आप सोचते हैं कि थ्री टाइम्स चार्ज बढ़ा है तो थ्री टाइम्स लगा देगा, ये भी रॉन्ग है। और ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर वो मैग्नीट्यूड पूछा है हमसे तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों इक्वल होंगे, नेगेटिव साइन नहीं आ सकता, डायरेक्शन की बात करते तो नेगेटिव आता। जैसे नेक्स्ट क्विज में देखें आप, सेम क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है बच्चों, बट यहाँ बोल्ड लेटर में लिखा है, मतलब वो फोर्स वेक्टर की बात कर रहे हैं और वेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि ये दोनों तो डायरेक्शन में अपोजिट है फोर्सेस, जैसे आप यहाँ देख रहे हो इनका डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो अगर वेक्टोरियली देखें तो अगर ये फोर्स 100 न्यूटन आई कैप में है, लेट से दिस डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोल दें, तो ये वाला भी 100 न्यूटन बट माइनस आई कैप में होगा। तो अगर हम वेक्टोरियली देखते हैं तो फिर बात कुछ अलग होगी। तो वेक्टोरियली अगर हम देखें इनको तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, हम अगर इसको देखें वेक्टोरियली, सो वेक्टोरियली अगर हम देखते हैं देन द थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो इसमें क्या होगा कि ये जो दूसरा वाला बॉडी है बी, अब अगर हम क्या करें कि वेक्टोरियली बात करें और सपोज करो कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो स्टूडेंट्स लेट से कि यू कॉल इट दिस लाइन एज ए एक्स एक्सिस, आपने इस लाइन को एक्स एक्सिस बोल दिया एंड यू कंसीडर दिस इज ए नेगेटिव एक्स दिस इज ए पॉजिटिव एक्स। तो अगर लेट से कि ये वाला फोर्स वेक्टर मुझे लिखना है तो मुझे यहाँ डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, तो मैं लिखूंगा 100 न्यूटन आई कैप और इस पे इस वाले फोर्स के लिए मैं क्या लिखूंगा कि मैग्नीट्यूड इज 100 न्यूटन,
बट डायरेक्शन इज माइनस आई कैप अगर मैं इस पे वेक्टर लगा देता हूँ तो अगर अब अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास जो एफ ए बी है और एफ बी ए वेक्टर है, तो एफ बी ए वेक्टर के आगे जब मैं माइनस लगाऊंगा तब मुझे एफ ए बी वेक्टर मिलेगा, बिकॉज दीज टू फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल मैग्नीट्यूड, सो दे आर अपोजिट वेक्टर्स, ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स है। सो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या होगा, दिस विल बी आवर आंसर, एफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी, वॉट माइनस इज रिप्रेजेंटिंग दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड वॉट इक्वलिटी रिप्रेजेंटिंग, ये इक्वल टू का साइन क्या बता रहा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन माइनस का साइन क्या बता रहा है कि इनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, सो दे आर अपोजिट वैक्टर्स। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है समझने के, जैसे यहाँ पे कुछ शेल थ्योरम यूज़ होती है, बेसिकली ये स्फेरिकल कंडक्टर्स के रिगार्डिंग बात है। देखो शेल थ्योरम क्या होती है, तो इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर हम जो भी मेटल कंडक्टर जो होता है, कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है, उसको हम जब भी चार्ज सप्लाई करते हैं, एक्सिस चार्ज, एक्सिस चार्ज का मतलब है कि जैसे बच्चों ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर के अंदर सपोज करो 100 प्रोटॉन है और 110 इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन पे प्लस ही होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही, तो 100 प्रोटॉन का जो चार्ज है और 100 इलेक्ट्रॉन का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बट ये जो 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेंगे ना, मतलब ये 110 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज एक्सिस चार्ज, इसको हम बोलते हैं एक्सिस चार्ज। तो अब कंसेप्ट ये होता है कि अगर कंडक्टर के पास कोई एक्सिस चार्ज है तो वो उसकी आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है हमेशा, ये याद रखना है, डिटेल में हम कंडक्टर्स में इसको पढ़ेंगे। तो कंडक्टर के पास कोई भी एक्सिस चार्ज है तो वो हमेशा कहाँ पे जाएगा, आउटर सरफेस पे जाएगा, और अगर वो स्फेरिकल है, वो कंडक्टर कैसा है, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का मतलब होता है कि या तो वो सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर, या वो होलो कंडक्टर है। तो जो हम बेसिकली ये कहते हैं कि चार्ज तो सरफेस पे ही जाना है, तो होलो हो या सॉलिड हो दे विल बिहेव लाइक अ शेल। तो शेल मतलब अगर वो मेटल स्फीयर है, सॉलिड होलो दोनों हो सकता है, और शेल बेसिकली होलो स्फीयर को ही बोलते हैं, तो जो भी चार्ज है वो एक्सटर्नल सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा फिर इसके बाद क्या होता है, तो ये शेल थ्योरम का फर्स्ट कंसेप्ट है, जैसे ये एक स्फीयर है और स्फीयर को आपने कोई भी पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया तो ये इसके आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वल इक्वल एरिया पे इक्वल इक्वल चार्ज। अब फिर क्या होगा कि लेट से आपने कैपिटल क्यू चार्ज सप्लाई किया, इसकी आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब ये कोई दूसरा इस चार्ज है, लेट से इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्मॉल क्यू, ये इस शेल के बाहर है, ये जो शेल है, ये शेल जो है इसके आउटसाइड चार्ज है ये वाला। तो ये शेल थ्योरम ये बोलती है कि अगर चार्ज शेल के बाहर है, कोई चार्ज शेल के बाहर रखा हुआ है, तो शेल शेल वाला चार्ज जो होता है ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू जब इस पे फोर्स लगाता है तो ये कैपिटल क्यू ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये सारा का सारा जो कैपिटल क्यू है ना, जो आपने इसको दिया है, जैसे कि ये सारा का सारा कैपिटल क्यू कहाँ पर है, ये सारा का सारा कैपिटल क्यू इसके सेंटर पर है, ये ऐसे बिहेव करता है कि जैसे ये सारा का सारा सेंटर पर है, और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेज वी टेकन फ्रॉम सेंटर, ये डिस्टेंस हम सेंटर से लेते हैं। सो अ चार्ज पार्टिकल आउटसाइड अ सेल विथ यूनिफॉर्म विथ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, अ चार्ज पार्टिकल आउटसाइड अ सेल, और सेल की बात क्या है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, इज अट्रैक्टेड और रिपेल्ड एज सेल्स चार्ज वर कॉन्सेंट्रेटेड एज अ पार्टिकल इट्स सेंटर। मतलब आप क्या कर सकते हो, मतलब आप ये कर सकते हो कि अगर कोई चार्ज सेल पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कोई चार्ज पार्टिकल शेल के बाहर रखा हुआ है, सो यू कैन डू वन थिंग, आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, मतलब ये ऐसे होगा जैसे कि ये सारा का सारा जो चार्ज है ना, ये शेल के ऊपर जो आपने कैपिटल क्यू दिया है, ये ऐसे बिहेव करेगा
जैसे कि ये इस सेंटर वाले पॉइंट पर ही है सारा का सारा कैपिटल क्यू, और ये स्मॉल क्यू पर फोर्स लगाएगा सेंटर पे बैठ करके। तो ऐसे ये बिहेव करता है, बट कब देन, कब जब ये फोर्स किस पे लगाता है स्टूडेंट्स, आउटसाइड पार्टिकल पे। तो चार्ज पार्टिकल आउटसाइड द शेल होना चाहिए, जिस चार्ज पार्टिकल पे सेल फोर्स लगा रहा है वो पार्टिकल सेल के बाहर होना चाहिए। तो उस पर शेल ऐसे फोर्स लगाता है जैसे कि सारा का सारा शेल का चार्ज सेंटर पर है। तो जब भी आप कूलाम्स लॉ लगाएंगे, तो अगर आपको स्फीयर दे दिया जाता है तो स्फीयर का सारा चार्ज आप कहाँ पे एज्यूम करेंगे, सेंटर पे, और फिर आप बाहर वाले चार्ज से उसका डिस्टेंस उसके सेंटर से मेजर करेंगे। ओके, अगर आपको दो स्फीयर दे देते हैं तो आप सेंटर टू सेंटर मेजर करेंगे। बट साथ में इम्पोर्टेंट समझना हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे क्या बोला गया है। तो यहाँ पे ज़रा देखिए बच्चों क्या बोला इन्होंने। सेकंड जो शेल थ्योरम का कंसेप्ट है वो क्या है, तो सेकंड कंसेप्ट बच्चों हमें ये बोलता है कि अगर सेल को आपने जो भी चार्ज देंगे, जैसे शेल है इसको जो भी चार्ज देंगे वो कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या होगा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये कैपिटल क्यू है, ये शेल का चार्ज है, अब कोई छोटा सा चार्ज पार्टिकल शेल के अंदर कहीं पे रखा होता है तो उस पर इसकी वजह से फोर्स हमेशा जीरो होगा। ये अंदर कहीं भी रखा हो इस पर जीरो होगा, मतलब फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू विल बी ज़ीरो। स्मॉल क्यू इनसाइड शेल है, सो अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ सेल विथ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस हैज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू सेल। तो बच्चों बात समझने की इतनी सी है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल शेल के बाहर है तो सेल उस पर जब फोर्स लगाता है तो ऐसे बिहेव करता है जैसे सेल का सारा चार्ज कहाँ पर है, सेंटर पर है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल शेल के अंदर है तो शेल की वजह से उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो लगता है। तो ये हमने समझा, ये हमारे काम आएगा कूलाम्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि बच्चों बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, सिंपल कूलाम्स लॉ पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करें, एंड यू शुड ट्राई एंड देन यू शुड सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भले ही स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों, बट आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना चाहिए और एक बार खुद उसका रफ स्केच ड्रॉ करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसका एक डायग्राम भी आपके सामने बनाता हूँ। तो द हाइड्रोजन एटम, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों ये हाइड्रोजन एटम पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन का एक रफ स्केच बनाते हैं, जैसा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोला हुआ है कि आप कैसे काम करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। तो न्यूमेरिकल्स जो है उसके साथ हमें कैसे काम करना है तो वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों इन्होंने कहा है हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले देखें कि हाइड्रोजन एटम 1H1 होता क्या है। तो बेसिकली एक प्रोटॉन होता है, दिस इज अ प्रोटॉन, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही लेसर मासिव होता है, मतलब प्रोटॉन के जो मास होता है उससे तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के चारों तरफ इस ऑर्बिट में घूम रहा है स्टूडेंट्स। इस इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और इसके पास चार्ज भी है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एम मास है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास मास एम है और चार्ज माइनस ई है, और जो प्रोटॉन है इसके पास जो मास है उसको मैं एम पी लिख देता हूँ, और इसके पास जो चार्ज है दैट इज़ प्लस ई।
तो ये एक ऑर्बिट में घूमता रहता है। लेट से कि ये ग्राउंड स्टेट में है, मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो ये जो सेंटर से जो डिस्टेंस है ये ऑर्बिट रेडियस के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में कितना बोला है उन्होंने, तो बच्चों क्वेश्चन में बोला इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 5.3 × 10⁻¹⁻ मीटर। तो ये जो डिस्टेंस हमें दिया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, दैट इज़ 5.3 × 10⁻¹⁻ मीटर। और ये इलेक्ट्रॉन लेट से कि वी स्पीड से घूम रहा है यहाँ पे। अब एक चीज़ नोटिस करिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये कर रहा है तो इसका डायरेक्शन जो स्पीड का है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप इसका मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट ही है, बस डायरेक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड तो फिक्स है क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो इसकी स्पीड तो फिक्स है बट डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे। अब सबसे पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो देखते हैं। पहले तो ये बोला गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो मैंने सिंपली ये फॉर्मूला लगाया। तो स्टूडेंट्स आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ के विच इज़ कॉन्स्टेंट विच इज़ 8.99 लिखा है, दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली 9। सो 9 × 10⁻¹, ये तो हमने के का वैल्यू डाल दिया, मैं इसको 9 ही कर देता हूँ। दिस इज 9 × 10⁹। तो ये तो बच्चों के का वैल्यू हो गया। चलो फिर दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो मॉड Q1, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो प्लस ई होता है, तो ये मॉड ई आ गया। मॉड Q2, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो माइनस ई होता है, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, और अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने ये सारे डाटा पुट किए और फोर्स का वैल्यू आ गया 8.2 × 10⁻¹⁸ न्यूटन। ये क्यों लग रहा है बच्चों फोर्स? क्योंकि प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है? प्लस ई। प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है? प्लस ई। और इलेक्ट्रॉन के पास कितना है? माइनस ई। सो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन से फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट एक चीज़ आप भूल लें नहीं कि प्रोटॉन के पास भी बच्चों मास है और इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, तो दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी लगता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स भी लगा रहा है, तो वो किधर होगा? तो वो भी दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा। तो ये वाला जो दूसरा वाला जो फोर्स होगा दैट इज़ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो एक कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और दूसरा फोर्स कौन सा है? ये तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और जो दूसरा फोर्स इस पे लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। दिस इज FG। तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स कितना आएगा? तो फॉर्मूला होता है gm1m2/r². m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और m2 बच्चों हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। तो g का वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³¹। प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻²⁷। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, और बीच का सेपरेशन ये डिस्टेंस है सेम, दैट इज़ ऑर्बिट रेडियस। तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आया, बहुत ही स्मॉलर फोर्स आया। तो डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काफ़ी बड़ा बनाया है, लॉन्ग लेंथ का बनाया है। लेकिन ग्रेविटी फोर्स तो बहुत छोटा बनाया है क्योंकि वो 10⁻⁻⁷ है, और ये कितना है? 10⁻⁸ है।
तो अगर हम इनका रेशियो लें तो ये रेशियो हमारे पास आता है अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻³⁹। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻³⁹ टाइम्स लार्जर देन ग्रेविटेशन फोर्स। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बहुत ही बड़ा है किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको रीड करें। तो आप यहां पे देख सकते हैं दिस एस्टोनिशली लार्ज नंबर शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस सिचुएशन इज कंप्लीटली नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जब भी दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक एंड सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स। जो ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे ऐसा ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होगा, उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। दिस इज बट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ अ पर्सन और अ प्लानेट। बट जब हम हमारे साइज का या प्लेनेट के साइज का बॉडी आएगा जिसका मास लार्ज होगा, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर नियरली इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इनमें क्या होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इतना होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेट चार्ज जो हमारे ऊपर रहता है, पर्सन के पास जो नेट चार्ज रहता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, प्लेनेट के पास भी नेट चार्ज ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इज यूजुअली मच स्मॉलर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या होता है, जैसे अर्थ हमारे पे फोर्स लगाती है तो अर्थ का भी टोटल चार्ज ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि जितना अर्थ में पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और हमारे पे भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे मास तो ज़्यादा है पर चार्ज बहुत ही कम है, ना कि बराबर है नेट चार्ज। तो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स काफ़ी पावरफुल हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम एटॉमिक लेवल्स पे एटम्स के अंदर बात करेंगे तो हम ग्रेविटी फोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे, और जब हम लार्ज साइज बॉडीज़ की बात करेंगे, पर्सन प्लेनेट, तो वहाँ हम इलेक्ट्रिकल फोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा अब बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है और थोड़ा चेंज करके आपसे एक और चीज़ इसमें मैंने पूछ ली है कि अगर ये ऐसा मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम लोग क्यों ना इसके अंदर इसकी स्पीड और इसके मोशन का टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर ले। तो हम ये काम भी करना चाहेंगे यहाँ पे। तो चलिए इजी है बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डायग्राम जो है उसको सही करना है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग यस, सो क्वेश्चन में मैंने आगे ऐड किया है बच्चों द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो मूव कर रहे हैं इसमें, फाइंड द स्पीड एंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो इसकी स्पीड मुझे निकालनी है। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी एम मास का पार्टिकल है, मान लो ये कोई एम मास का पार्टिकल है और ये एम मास का पार्टिकल वी स्पीड से इधर जा रहा है। अब हम क्या करें कि इसके परपेंडिकुलर, स्पीड के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा दें, ये जो स्पीड है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दें, इसकी जो वेलोसिटी इधर है इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा दें, और ये परपेंडिकुलर फोर्स जब हम लगाएंगे तो ये वेलोसिटी के 90 डिग्री पर होगा। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, ये सिर्फ इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड को चेंज नहीं करता। तो ये जो पार्टिकल है इसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, और वो कुछ इस तरह से हो जाएगी थोड़ी, जैसे पार्टिकल यहाँ आएगा तो इधर हो जाएगी, फिर ये पार्टिकल थोड़ा आगे आएगा, तो ये जैसे जैसे मूव करेगा हम हर बार लगाते जाएंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स। कैसे, जैसे कि आप ये डायग्राम देखें
तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अभी इसके पे वेलोसिटी ऐसे है, फिर जब इसकी वेलोसिटी थोड़ी टिल्ट हो जाएगी इधर की तरफ, तब फिर हम अगेन क्या करेंगे, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगा देंगे। तो हर बार हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते रहेंगे। जैसे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इधर होगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्पीड वही रहेगी, फिर हम इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा देंगे, और कंटिन्यूस अगर ये फोर्स लगता रहेगा तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। और ऐसे करते करते जब ये यहाँ आएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, जब ये यहाँ आएगा तो इधर हो जाएगी। तो ऐसे में इसका पाथ क्या बन जाएगा, इसका पाथ सर्कुलर बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फोर्स लगेगा ये हर बार वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी हर बार इसकी टेंजेंशियल होगी, और फोर्स इस पर हर बार रेडियस के अलोंग लगेगा, मतलब रेडियल डायरेक्शन में लगेगा। और अगर ये सारे रेडियस को देखो, आप सारे फोर्सेस के डायरेक्शन को देखो, तो ये सब इस सर्कल के सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इसलिए बेटा हम इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आखिर हमें कितना फोर्स की ज़रूरत है ताकि हम इसको एक सर्कल में घुमा सकें? तो बेटा ये जो कैलकुलेशन करी, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो सेंटर की तरफ जो हमें फोर्स चाहिए होता है एफ सी, वो चाहिए होता है, वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। एक तो कितने मास को आप घुमाना चाह रहे हो, एक किस स्पीड से, और किस रेडियस के सर्कल में घुमाना चाह रहे हो। तो जब इसकी कैलकुलेशन हुई तो ये वैल्यू आया एम वी स्क्वायर बाई आर, इतना फोर्स मुझे चाहिए होता है। वास्तव में ये कोई फोर्स नहीं है, ये नीड है, ये नीड है फॉर सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल को मुझे सर्कुलर मोशन कराना है, सर्कुलर पाथ पे घुमाना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराना है, तो इतने फोर्स की नीड होती है। अब ये नीड देखो यहाँ कौन पूरी कर रहा है, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ हमेशा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये जो प्रोटॉन है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ये जो नीड है ये नेचर का कोई ना कोई फोर्स फुलफिल करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन एटम के अंदर जो नेचुरल फोर्स लग रहा है ये नीड है, ध्यान रहे दिस इज नॉट अ फोर्स, दिस इज ए फोर्स नीडेड। बच्चों ये फोर्स की ज़रूरत है कि इतना फोर्स हमें चाहिए, ये कैलकुलेट करके निकाला गया। नाउ एनी नेचुरल फोर्स फुलफिल दिस नीड, ये जो नीड होती है इसको कोई ना कोई वहाँ पे नेचर का फोर्स अवेलेबल होता है जो फुलफिल करता है। बच्चों जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स तो नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है के इंटू प्रोटोन का चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो मेरे को नीड है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो हमारी नीड है इसको हमें फुलफिल कर रहा है यहाँ लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स जितनी नीड है उसके इक्वल आना चाहिए। तो नीड कितनी है, एम मास का इलेक्ट्रॉन वी स्पीड से आर रेडियस के सर्कल में घुमाना है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर नीड है, और वो नीड कहाँ से पूरी हो रही है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो के का वैल्यू 9×10⁻⁹ होता है, या 1/4π लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हो गया के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर बाई आर, ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे पास के ई स्क्वायर अपॉन एम आर, और वी का वैल्यू कितना आ गया, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी आ गई, वो आ गई स्क्वायर रूट ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन एम आर। आप k को 1/4π में भी लिख सकते हैं, जैसा बुक्स में कई बुक्स में लिखा रहता है, तो k को हमने लिखा 1/4πε₀, ऊपर है e स्क्वायर, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है e स्क्वायर, और नीचे दूसरा टर्म क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस। नाउ हमारे पास e का वैल्यू भी है,
1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलाम, और हमारे पास k का वैल्यू भी है 9 इंटू 10 रेस टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। हमारे पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है 9.1 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 31 kg, और लास्ट चीज़ रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू ऑर्बिट 5.3 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 11 मीटर। जब हम ये सारे डाटा सब्स्टिट्यूट करके हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये आप सेल्फ सॉल्व करें बच्चों। फिर आता है टाइम पीरियड। तो जब ये एक राउंड लगाता है तो इसको चलना पड़ता है 2πr डिस्टेंस, और स्पीड है इसकी v। तो हमारे पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2πr अपॉन v। तो v का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो v का फॉर्मूला हमारे पास है e स्क्वायर। हम k के टर्म्स में ही लिख लें, k e स्क्वायर अपॉन एम आर। तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 2πr, और ये रूट में कितना हो गया, एम आर ऊपर जाएगा, के ई स्क्वायर नीचे रह जाएगा। अब इस 2πr को भी हम अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 2 जब अंदर जाएगा बच्चों तो 4 हो जाएगा, पाई अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और एम यहाँ पहले से हैं बच्चों, एक आर पहले से हैं। के का वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं 1/4πε0। तो जो 4πε0 है वो भी बच्चों ऊपर चला जाएगा, और नीचे हो जाएगा बच्चों ई स्क्वायर। तो फाइनली रूट में मेरे पास कितना आएगा, रूट में मेरे पास आएगा 4 × 4 = 16 एंड पाई स्क्वायर इंटू पाई दैट इज पाई क्यूब। सो 4 × 4 = 16 पाई स्क्वायर इंटू पाई इज पाई क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब, देन एप्सिलॉन नॉट इंटू मास डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। सो दिस इज द टाइम पीरियड। वी कैन सॉल्व इट, वी कैन पुट द डाटा एंड वी कैन सॉल्व इट। सो स्टूडेंट इट्स सफिशेंट फॉर टूडे। इन टुमोरोज लेक्चर वी विल स्टडी, बच्चों क्या पढ़ेंगे, कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सो आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल लर्न करें साथ के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बनाएं बच्चों, ताकि सेल्फ स्टडी करने में काम आए, और इसी तरह से हम कंटिन्यू आगे करते रहेंगे। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसी तरह से प्लीज़ चैनल को आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।